अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरी सुबह बहुत हुस्रसी हो चुकी थी और उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वालों की सुबह भी बहुत हसीन होगी। तो आज जो बताया था आपको कि गेस्ट आए हैं, तो उनके लिए लेनी थी हलवा पूरी, क्योंकि कराची की हलवा पूरी बहुत मज़े की होती है और बहुत फेमस भी है। यहाँ की हलवा पूरी, यहाँ की रेसिपी बहुत डिफरेंट होती है और जगह से, तो ये बहुत मशहूर एक हलवा पूरी की है। नाश्ता मेरा हो चुका था, बस घर के काम से फारिग हो गई थी। अब ये कर्लीज मेरे पास थे, अब मैं ये इंजॉय कर रही थी। और जी मेरी स्मार्ट वॉच थी, इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था। यार ये वॉच का मुझे बताएगा तकरीबन, अगर इसको चार्ज करती हूँ ये मुश्किल से कुछ टाइम चलती है, और जब भी चार्ज करो उसको नेट सिरे से या उसको टाइम दोबारा से इसमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो मुझे थोड़ा मसला होता है कुछ ऐसी सेटिंग हो कि जिसमें टाइम ही हमेशा सेट रहे, फिर इसको चार्जिंग पर लगाओ बहुत झंझट होते हैं जी। इसमें मैं कहती हूँ कि एक सेल भी होना चाहिए कि जी आसानी से उसको चार्ज ना करना पड़े और फिर वो झंझट ना हो। मगर ये कि इसको 2 घंटे चार्ज करो और फिर ये चलती है ठीक से, वरना फिर मसला होता है। बस सलार ने कमरे की हालत इतनी ख़राब कर दी है और मैंने इसको पानी ला दिए और अब इसके कपड़े निकालने। ये मेरे गोद में चढ़ा हुआ देखे, नंगा नंगू बच्चा। ओए ओए तो लग जाएगी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। चलो आपके कौन से कपड़े निकाल दूँ? सलार आपने कौन से कपड़े पहनने हैं? हाँ ये वाला निकाल दूँ? ये वाली प्यारी लग रही है। हाँ ये निकाल दूँ? जीन्स भी है इसके साथ सलार की, देखो कितना प्यारा ड्रेस है, इतनी प्यारी शर्ट है। चलो सलार के लिए वाली शर्ट निकाल दी और जीन्स निकालती हूँ अब इसके साथ की भी। अच्छा हुआ है आज ना रोशनी हुई हुई है, गर्मी है मगर अभी कराची में मौसम चेंज नहीं हो रहा है। धूप देखेंगे कितनी कड़क है, मौसम अभी भी पहले जैसा ही है। मैंने ये सलार का ड्रेस निकाल लिया था, साथ ही मैंने उसके लिए पैम्पर ले लिया था, उसके लिए जीन्स निकाल ली थी साथ ही। अच्छा मैंने शॉर्ट निकाला था क्योंकि गर्मी, पहले मैंने उसके लिए जीन्स ली, फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट लिया और फिर मैंने सलार को रेडी कर दिया था और साथ ही मैंने उसकी सब चीज़ें रेडी कर ली थी स्टार्ट। और फिर ये मोहम्मद सलार मेरे माशाल्लाह 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 लाजमी कहिएगा। और ये रेडी हो गए थे, अभी कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि दांतों पे है ना, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी इनको बुखार हो जाता है, कभी ये बार बार इनको लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो बस बच्चों के साथ यही लगा रहता है, समझ नहीं आता कि इनको हुआ क्या है और टेंशन है। मैंने अपने शहजादे को रेडी करा दिया था, उसको कंप्लीट चेंज वगैरह करा दिया था। तो बच्चों को अक्सर ये होता है कि वो जब फ्रेश हो जाते हैं, जब वो नहा लेते हैं ना, तो उनको नींद आती है। और मैं उसको ये अक्सर ऐसा करती हूँ कि 2-3 घंटे पहले मालिश करा देती हूँ और फिर उसको इतनी अच्छी नींद आती है, वो 1 से 2 घंटे आराम से सोता है। तो फिर ये था कि मैंने उसको फिटर बना कर दिया है, अब वो फिटर पिएगा। और नानी उसकी साथ लगी थी उसके साथ, मतलब वो अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच है, वो छोटी छोटी बातें अम्मी से कर रहा होता है। तो फिर ये था कि मैंने उसको सुला दिया था, सलार को फिटर वगैरह दे दिया था, वो सो गया था। और साथ ही मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी और बिरयानी की रेसिपी मेरे कुछ व्लॉग्स वगैरह जो पहले गुजर चुके हैं, पुराने व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो बिरयानी की रेसिपी आपको वहाँ जाके मिल जाएगी। और फिर आपको पता है मेहमान आए हुए थे तो मेहमानों की फरमाइश पर बनाई गई थी आज बिरयानी, बहुत मज़ेदार सी यम्मी। और आज की बिरयानी बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार सी बिरयानी थी। और ये जो मैंने इसको दम पे मैंने लगा दिया था, और जब ये दम पे हो जाएगी तो बस फिर खाना खाएंगे और फिर खाने को एंजॉय करेंगे, क्योंकि लंच आज सबसे साथ ही करना था, फिर आखिरी लंच था मेहमानों के साथ, फिर वो लोग चले जाएंगे। तो फिर ये था कि उनकी फेवरेट चीज़ बनाकर खिलाई जाए। तो जी जैसे कि मुझे मार्केट जाना था और मैं कह रही थी क्या ऐसा गंदा मुंह अपने साथ लेकर जाऊं, क्यों ना थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। तो बस स्प्रिंग सॉन्ग लगाया और जल्दी से मैंने फेस पाउडर लगाया, लाइट सी पिंक कलर की, पिंकी पिंकी से लिपस्टिक लगाई और मैं रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने कहा चलें फिर जाते हैं, बैग वगैरह लिया, अबाया वगैरह पहना, कम्प्लीट तैयार हो गई थी। फिर मार्केट जाना था, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ ड्रेस लेने थे, बाजी के लिए कुछ ड्रेस लेने थे। इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने कौन सा ड्रेस लिया है। पीछे से आपको मोहम्मद सलार की आवाज़ें आ रही होंगी, वो माशाल्लाह से खेलने में लगे हैं और वो खूब तंग करने लगे हैं मैं। बस ये मैं रेडी हो रही थी और जल्दी से मैंने फेस पाउडर लगाया अपने फेस पे। फेस पाउडर लगाने के बाद हल्का सा मैंने ब्लश ऑन लगाया और बिल्कुल लाइट कलर की मैंने लिपस्टिक अपने लिप पे अप्लाई कर ली थी। अब आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक था। और बस मैंने अबाया लिया और ये मैंने स्कार्फ अच्छे से अपने लपेटा और बस ये मैं रेडी हो गई थी, बैग लिया और फिर मैं जाने के लिए तैयार थी, जैसे कि देख सकते हैं आप। बाज़ दफ़ा हिम्मत हार जाती हूँ क्योंकि इंसान ही तो, समझ नहीं आता कि गिर जाना और फिर गिर के संभालना और फिर अपने आप को संभालना
कभी कभी इंसान ना थोड़ा डिसहार्ड हो जाता है, मगर अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए। वो उसके ख़जाने में कमी नहीं है, बेशक उसके ख़जाने में कमी नहीं है। जब वो नवाजने पे आता है ना, तो वो फ़कीर को बादशाह बना देता है। तो मेरे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करने वाला है, अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। उसने जो लिखा है ना तकदीर में, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए इंसान ने। अगर चले जी, मैं गोल मार्ग पहुँच चुकी थी और मुझे यहाँ से लेना था बाजी के लिए ड्रेस। तो मुझे कुछ अच्छा किसी के लिए लो ना, बाजी के लिए लो या फिर किसी और के लिए लो ना, थोड़ा इंसान कंफ्यूज होता है। मगर फिर ये कि बाजी मेरी और अम्मी की पसंद बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। फिर ये होता है कि हम दोनों की, हम लोग की पसंद जब मिलती है ना, तो फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। और ये दुपट्टे थे यहाँ पर सारे स्टॉल में मिल रहे थे, और यहाँ पे अच्छे सारे स्टॉलर थे। बाकी मुझे लॉन के सूट लेने थे, मैं बाकी इनसे पता करी थी। ये वाइट दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक वाइट ड्रेस, एक वाइट दुपट्टा होता है ना जो हर ड्रेस पे लग जाता है। मतलब आप कभी कोई प्रिंटेड सूट भी उठा लें, कोई आप हरा नीला पीला गाजरी कोई भी सूट ले लें, अगर आप वाइट दुपट्टा ले लें तो बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट सा लुक लगता है। तो मेरा पूरा गोल मार्ग में ढूंढ रही थी मैं, सबसे पता करी थी भाई यहाँ पे दुपट्टों की दुकान का है, क्योंकि मुझे स्टॉलर तो मिल रहे थे मगर मुझे मैचिंग के दुपट्टे लेने थे तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो मैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ना साइड पे, यहाँ पर ना काफ़ी शॉप्स हैं दुपट्टे की, तो आप वहाँ पर देख लें। बाकी यार टू पीस लगे हुए थे सूट ही, होके आपको मिले थे 1700 के 1500 के, ये टू पीस और स्टिच हुए हुए थे। इसमें लार्ज भी था और मीडियम भी था और एक्सल साइज़, जो भी कंप्लीट जो साइज़ थे वो यहाँ पे मौजूद थे, और स्टिच भी बहुत अच्छा हुआ पता। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि गोल मार्क आपको पता है कराची का बहुत अच्छा मॉल है और डिफेंस में है ये, तो आपको यहाँ पे हर चीज़ दस्तियाब है। और जो फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे सेल भी लगी हुई होती है, मर्दाना कपड़े भी बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो फिर मुझे बेसमेंट में कहा था कि बेसमेंट में है ना आपको दुपट्टा गली है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दुपट्टे। फिर मैं बेसमेंट में गई, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी, बहुत अच्छे ड्रेस मिल रहे थे। और मैंने दुपट्टे मैचिंग के लिए कहा कि भाई आप ये दुपट्टा मुझे दिखा दें मैचिंग के, अगर इसका हो सकता है। तो उन्होंने मुझे दुपट्टे तो दिखाए, मगर उन्होंने मुझे ना उसकी, मुझे दुपट्टों की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ये मुझे वाइट कलर का ट्राउज़र था इनके पास जो कि मुझे अच्छा लगा, ये 1000 का दे रहे थे। तो ये वाइट और ब्लैक कलर का ट्राउज़र था, अच्छा लग रहा था। अच्छा, इन्होंने मुझे फुल मैचिंग नहीं दिखाई, जब मुझे मैचिंग मिली नहीं तो फिर मैंने कहा मेरा क्या फ़ायदा यहाँ से लेने का, फिर मैं अपनी करीबी इलाके में जो बाज़ार है ना वहाँ पर ट्राई कर लूँगी। ये लेस लगी हुई थी और ये दुपट्टा मुझे 500 का दे रहे थे, और ये देखिए कितना अच्छा बाज़ार। चले जी, मैं घर आ गई थी, और ये ठंडी ठंडी सी गंडेरियाँ बहुत मज़े की लगती हैं इस ठंडे मौसम में, बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे। अगर आप लोगों को पसंद है तो बताइएगा। बस ये इन्जॉय करी थी मैं ठंडी ठंडी सी गंडेरियाँ, और अब इसको मैं खाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं कैसे हैं आप सब। मैं चलें बैठ जाती हूँ रिलैक्स होकर, फिर आप सबसे ढेर सारी बातें होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे गेस्ट आए हुए थे पंजाब से, तो वो लोग आज गए हैं, और आज की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज मेरे इत्तेफाक से बाज़ार भी जाना हुआ था, मॉल जाना हुआ था, तो वो जो आज मैं ड्रेस लेकर आई हूँ, जो बाजी के ड्रेस थे रह गए थे, उन्होंने नहीं ले सकी, लोगों से शेयर करूँगी कल आने वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह, वो वाले ड्रेस मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप सब बताएं कैसे हैं जी। आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, थोड़ा मसरूफियात थी, थोड़ा काम था, थोड़ा कुकिंग वगैरह करनी थी, फिर मेहमानों को जाना था, उन लोगों के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। वो लोग गए हैं, उनकी 6 नहीं 7 बजे की ट्रेन है, तो वो लोग गए हैं तकरीबन स्टेशन पे पहले ही चले जाते हैं कि टाइम से पहुंच जाए तो आसानी हो जाती है, क्योंकि ट्रेन का पता नहीं होता, कभी जल्दी भी हो जाती है कभी लेट भी आती है, मगर आप टाइम से पहुंच जाएं तो फिर ट्रेन। अच्छे ड्रेस लगे थे, कलर बहुत खूबसूरत सा मिला है। इंशाल्लाह कल आने वाली व्लॉग में मैं आप लोगों से वो ड्रेस भी शेयर कर दूंगी, कि और आप लोगों से राय भी लूंगी कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। अच्छा, बाजी ने मुझे कह दिया था कि तुम अपने पसंद से लेकर आ जाओ, क्योंकि हमारी पसंद काफ़ी मिलती है। उन्होंने कहा था तुम अपनी पसंद से लेकर आ जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगेगा ना वो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं जाके उनके लिए, बहुत प्यारा सा ड्रेस है, आप लोग भी देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और बताएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको आजकल के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो आजकल मैं थोड़ा ये है कि टाइम भी नहीं मिल रहा था, आपको पता है मेहमान अगर घर पे आ जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता, मसरूफियात बढ़ जाती हैं, और फिर सलार के साथ भी मसरूफियात होती हैं,
और फिर अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक अम्मी को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे घर पे जो बद नज़र बुरी नज़र लग गई है, अल्लाह पाक हमारे नहीं, हमारे घर वालों के नहीं, हमारी फैमिली के नहीं आसानियाँ पैदा करें। और नज़रें बहुत बुरी होती हैं, आपकी खुशियों को खा जाती हैं, और बस अल्लाह पाक से अच्छाई की दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह पाक करम करने वाला है, बेशक वो ही करम करने वाला है। और बस दुआ कीजिएगा मेरी फैमिली के लिए भी, और अल्लाह पाक जो जो मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक उनके घरों में खुशियाँ 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 हो। बस यार आजकल के टाइम बहुत बुरा चल रहा है, मतलब बहुत बुरा टाइम चल रहा है। बंदा एक ना, हर बंदा परेशान है, हर एक घर में बीमार है, हर घर में परेशानियाँ चल रही हैं। बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें, आमीन सुम आमीन। तो जी आप सब भी दुआ कीजिए करें, और अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए और दुआ किया करें। मेरी तो सबके लिए दुआएं हैं बहुत सारी। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, वापस ये वीडियो एडिटिंग करूँगी, और फिर आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी बातें होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मुझे दें इजाज़त। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, और इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग अच्छे से अच्छे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से अच्छे और मेहनत कर सकूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकूँ। तो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।